प्लास्टिक का कचरा हर देश के लिए समस्या है। उसका कुछ हिस्सा रिसाइकल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर उपयोग के लायक नहीं रहता। भारत में नष्ट न होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सड़क बनाने की पहल हो रही है। आज इस वीडियो में मैं भारत के एक ऐसे शहर के बारे में बताऊंगा जो प्लास्टिक का उपयोग कर सड़क बना रहा है। तो चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा कोई दो दशकों तक लेफ्ट की सरकार और उसके मुख्यमंत्री मानिक सरकार की सादगी की वजह से सुर्खियां बटोरता था। करीब 3 साल पहले सत्ता में आने वाली बीजेपी के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव अक्सर अपने अटपटे बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरते रहते हैं, लेकिन अब पहली बार यह राज्य राजनीति की इतर प्रवृत्तियों की वजह से सुर्खियों में है। वह है राज्य को प्लास्टिक मुक्त करने की सरकारी पहल। अगरतला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजधानी अगरतला में प्लास्टिक के कचरे से पहली सड़क बनाई गई है। वैसे तो इसकी लंबाई महज 700 मीटर ही है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस परियोजना की कामयाबी के बाद अब यह काम बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 1.5 महीने पहले ही इस सड़क का उद्घाटन किया। प्लास्टिक का रिसाइकल न होने वाला कचरा भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का मुद्दा बनता जा रहा है। मोटे अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर साल लगभग 500 अरब प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल की जाती है। तमाम महासागरों में हर साल लगभग 80 लाख टन प्लास्टिक का कचरा पहुंचता है। प्लास्टिक की कुल खपत में से आधे से अधिक का इस्तेमाल महज एक बार ही किया जाता है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार देश में हर साल लगभग 26,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। अकेले गंगा नदी में हर साल भारी मात्रा में टनों प्लास्टिक पहुंचता है। सीमा सड़क संगठन के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ राज्यों में इस कचरे के इस्तेमाल से सड़क बनाने की योजना बनाई गई है। वैसे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने 2018 में सत्ता में आने के बाद ही इस दिशा में पहल की थी और सरकारी अधिकारियों को इस बारे में जरूरी निर्देश दिए थे। त्रिपुरा देश के बाकी हिस्सों के साथ महज नेशनल हाईवे 44 के जरिए ही जुड़ा है। वैसे भी पूर्वोत्तर राज्य में असम को छोड़ दे तो बाकियों के लिए सड़कों को जीवन रेखा माना जाता है। मुख्यमंत्री ने अगरतला निगम AMC से लोगों के घरों से कचरा जुटाने का अभियान चलाकर रिसाइकल प्लास्टिक के कचरे से कम 500 मीटर लंबी सड़क बनाने को कहा था, लेकिन अब करीब 700 मीटर लंबी सड़क को इस तकनीक से तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री बिप्लब देव का कहना है कि यह पहला मौका है जब त्रिपुरा में घर घर से प्लास्टिक का कचरा जुटा कर उससे रिसाइकल किया गया हो। उससे 700 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है। इस योजना से भविष्य की राह खुल गई है। इससे यह बात पता चलती है कि उचित इस्तेमाल से इस कचरे की लगातार गंभीर होती समस्या पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। इससे हम पूरे राज्य व पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं। अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश कुमार यादव बताते हैं कि सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने का विचार अनूठा है। जिस तरह बिटुमेन में पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से एक निश्चित मात्रा में प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल पत्थर के साथ साथ अंतिम मिश्रण में किया जाता है। इस सड़क को बनाने पर 70 लाख रुपये की लागत आई है, यानी 10 लाख रुपये प्रति 100 मीटर। उन्होंने कहा कि राजधानी अगरतला में रोजाना 19 टन प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है। यादव बताते हैं कि प्लास्टिक कचरे को बिटुमेन के साथ मिलाकर बनाई जाने वाली सड़कें उन इलाकों के लिए बेहद असरदार हैं जहां बारिश ज़्यादा होती है और सड़कों पर पानी भर जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए राज्य में करीब 1500 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल का फैसला किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस दिशा में पहल की जा रही है। पूर्वोत्तर के एक अन्य पर्वतीय राज्य मेघालय में पहले से ही ऐसी एक सड़क बन चुकी है। पर्यावरणविदों ने त्रिपुरा सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर ध्रुव ज्योति सरकार कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। राज्य सरकार ने छोटे स्तर पर ही सही इस दिशा में ठोस पहल की है। इस प्रयोग की कामयाबी के बाद जहाँ रोजाना पैदा होने वाले प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति मिलेगी, वहीं सड़क निर्माण की लागत भी कम हो जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि यह तकनीक भारत में इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों,
आपको क्या लगता है, ये आइडिया कैसा है, ये तकनीक कैसी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।